देखिए डिपेंड करता है कि आप कित किस हद तक जो है वो अलाउ कर रहे हैं लोगों को अपनी प्राइवेट लाइफ में अगर फॉर एग्जांपल मैं मैं घर आके अपने बेडरूम की बेडरूम सेल्फी शेयर करना शुरू कर दूँ मैं घर आके अपने ड्राइंग रूम के अंदर मैं बैठा हूँ वो शेयर कर दूँ मतलब मैं बिल्कुल एक एक चीज़ शेयर कर दूँ तो जाहिर सी बात है जब मैं अपने फैंस को या मैं अपने फॉलोअर्स को अपने घर के अंदर ले आऊँगा तो ऑटोमेटिकली फिर मेरी ही जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होगी मैंने कोई नशा नहीं किया नीलम

थोड़ा सा फ्लर्टी है और बहुत प्ले बॉय काइंड ऑफ कैरेक्टर है बट आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सब्र करें इस कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स आने वाले हैं जब ऑफर आती है आपको कैरेक्टर की तो सोशल मीडिया किस हद तक आपकी चॉइसेस को गवर्न करता है सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जहाँ पे हम अपने व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें फर्स्ट हैंड इंफॉमेशन मिलती है व्यवर की क्या सोच रहा है जैसे ही यूट्यूब के ऊपर ड्रामा अपलोड होता है इंस्टाग्राम के ऊपर फीडबैक आना शुरू हो जाता है फ़ौरन 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 उसी वक्त आप YouTube के नीचे कमेंट्स जाए आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि बहुत सी आपकी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें यूट्यूब का जो व्यूअर होता है वो हमें बता रहा होता है और जब, भी जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आप जाहिर सी बात देख रहे होते हैं कि यार कहीं ये प्रोजेक्ट बैकलैश तो नहीं करेगा काम से हटकर बात करें तो पर्सनल लाइफ को आप किस हद तक सोशल मीडिया पर पब्लिसाइज करना सही समझते हैं जब मैं खुश होता हूँ तो मैं अपनी जो भी खुशी होती है वो एक हद तक मैं लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझता हूँ जिसके अंदर आ, अगर मेरी एनिवर्सरी है या मेरी बर्थडे है या मेरी बच्ची की बर्थडे है या मेरी बेगम की बर्थडे है या कुछ है, इस तरह की कोई भी चीज है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आप कैसे देखते हैं अगर आपके कपल की बात करें आ, बहुत सारे कपल्स हैं जो सोशल मीडिया पे इन एक्टिव क्या, क्या, क्या है आपको हम सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, तो हम वो फेक नहीं कर रहे अगर मैंने कोई पिक्चर अपलोड किया तो उसके लिए मैं सोचूंगा नहीं की अच्छा मैंने इस दिन को ये वाली पिक्चर लेकर ये वाली पिक्चर अपलोड करनी है ताकि उससे मुझे ये हम इतना नहीं सोचते अक्सर इस तरह की पोस्ट पर लोग कमेंट करते हैं कि क्या फोटोग्राफर हर वक्त साथ होता है आपके या पिक्चर किसने ली आ, है कैसे ली? <laughs> मेरा सिस्टर है उसको मैंने कुछ सिखा दिया है कुछ ईमन को सिखा दिया है लेकिन अभी तक ईमन नहीं सीखी है अगर मेरी दस पिक्चर्स कैप्चर करती तो उसमें से आठ ब्लर होती हैं और ये मेरे दिल में ये शिकायत है <laughs>

अगर उसको एसन को कोई करता है तो मुझे दुख सी बात है। और, मेरा और उसका बनता ही नहीं है यंग एज में उसके फैन बन रहे हैं। उसकी बहुत बहुत प्यार करने वाले हैं और मुझे इतनी खुशी होती है अमल को इतनी दुआएं मिलती है बहुत नाम है बड़े बड़े नाम है जो सिर्फ अमल से मिलने के लिए मेरे घर पे आए और कॉल करके आया कि जी हम आपकी बेटी से मिलना चाह रहे हैं उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं उसमें फोर्सेस के भी लोग हैं बहुत लोग आए हैं मिलने के लिए अमल से तो अमल की बड़े फैंस हैं भाई लिटरली बहुत फैंस है तो so, आपको ये नहीं होता बीइंग अ फादर कि मतलब इतनी ज़्यादा कैमरा की आंख बच्ची पर कैमरे की आंख नहीं है देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि आ, अब फॉर एग्जांपल हम अगर किसी इवेंट पे जा रहे हैं अमल हमारे साथ है तो फिर जाहिर सी बात है कि अमल को लोग अब वो माशाल्लाह इतनी क्यूट है और मतलब क्या मैं अपनी बच्चे की तारीफें कर रहा वो है इतनी क्यूट सी तो वो सब लोग उसकी तरफ मुतव हो जाते हैं मिनाल और ऐमन के जुड़वा होने पर भी अक्सर होता है ऑल दो मैं नहीं समझती वो बिल्कुल सेम दिखती हैं दोनों लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं ये मिनाल या ये ऐमन है तो ऐसा जब आप इस फैमिली का हिस्सा बने कोई ऐसे फनी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ फैमिली में एक आठ दफ़ा हुआ था शुरू शुरू में जब मैं नया नया था उसके बाद फिर मैंने वो निशानी लगा ली तो आप लोगों ने ये पहले से डिसाइडेड था शी वोंट बी वर्किंग आफ्टर शादी अगर मेरी वाइफ ये चाह रही है कि यार मैं फैमिली को टाइम दूँ मैं अपनी बच्ची को टाइम दूँ मैं अपनी फैमिली लाइफ को इंजॉय करूँ तो फिर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ के अंदर मतलब मैं उसको ये नहीं कहता कि नहीं ना मैं उसको ये कहता हूँ कि तुमने काम नहीं करना ना मैं उसको ये कहता हूँ कि तुमने काम करना मैं है मैंने उसको इतना लिबरेज दिया हुआ है कि जो उसके अपने डिसीजन वो अपने डिसीजन खुद लेती है अगर उसका दिल नहीं करता काम करने का तो वो नहीं काम कर रही अगर उसका दिल करेगा तो ये उसका अपना डिसीजन है मेरी इसके अंदर कोई अमल दखल कुछ भी नहीं है लोगों ने मुझे विलन बना दिया कि पता नहीं उन्हीं ने जो है वो एमन खान से काम छुपा दिया भाई ऐसा कुछ भी नहीं हम कहीं भी बाहर भी निकलते हैं तो एमन अभी भी माशाल्लाह उसकी फैन फॉलोइंग इज अमेजिंग मैंने देखा है एमन की बहुत ज़्यादा क्रेजी फैन फॉलोइंग है और अभी भी है अगर उसने दो तीन साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है उसकी फॉलोइंग अभी भी है और उससे ज़्यादा हो रही है अब अमल की भी वजह से आपको पता है कि जो माँ फिर बन जाती है ना तो फिर वो जो हमारी जो है उनके उनके दिल में एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर जो है है वो एक लड़की के लिए पैदा हो जाता है जब वो माँ बन जाती है मुझे डर लगता है कि मेरे मियाँ दूसरी शादी ना कर ले ये डर होना चाहिए ये डर तो हर खातून में होना चाहिए हाँ। और इससे आपको पैम्पर करना चाहिए अपने हस्बैंड का आपको ख्याल रखना चाहिए इतनी मोहब्बत देनी चाहिए कि वो उनका दूसरी तरफ भी डर लगता है सोशल मीडिया की हम बात करें तो अभी रिसेंट जो निदा यासिर के शो पर आपने एक बात कर दी या वैसे भी मैंने कहा कुछ और था मैंने एक मजाक में बात की थी इट वॉज जस्ट अ जोक ठीक है और आपने उस जोक को बिल्कुल ही मतलब कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ले जा एक हेडिंग बना के कि मुनी फेयर कि वो अपनी लिव इन फेयर पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बना के आपने बना दी ठीक है मुझे भी कोई इससे वो नहीं हुआ मैंने अपनी अगले दिन अपनी जो सफाई में मुझे कहना था वो मैंने कहा जो जो समझदार तो सफाई लोग पर थे, भी तो फिर और जो समझदार लोग थे वो समझ गए जो नहीं समझदार थे वो अब देखें किसी के अंदर अगर ह्यूमर नहीं है तो मैं उस बंदे को समझा ही नहीं सकता हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है